पर्यटकों को लेकर जिम कार्बेट जा रही बस डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा अचानक एक डंपर के रॉन्ग साइड सामने आ जाने के कारण हुआ। काशीपुर में सुबह 5 बजे करीब दिल्ली से रामनगर जिम कार्बेट को जा रही टूरिस्ट बस महाराणा प्रताप चौक फ्लाईओवर से उतरते समय डिवाइडर से टकरा कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस चालक शैलेंद्र ने बताया कि रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर से बचने के कारण बस डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। तो डिवाइडर बिल्कुल पास में ही है। दूसरा ये रॉन्ग साइड आपका डंपर आ रहा था यहाँ से नुक्कल हाई बीम लाइट जला के। घटना है सुबह 5:30 बजे की, 5:15 से 5:30 बजे की। तो आगे से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं राइट में चल रहा था, काटते काटते भी डंपर मतलब गाड़ी चल गई इस पर डिवाइडर। मेन कारण ये है कि गैप नहीं है ड्राइवर से करने में, जो गेट है ये, और सारे यहाँ के नागरिक यही बात बोल रहे हैं कि इससे इस डिवाइडर से कई बार घटना हो चुकी है, क्योंकि ये डिवाइडर गलत है यहाँ पे। या तो प्रॉपर इसको बीच में कराया जाए या बिल्कुल हटाया जाए। नुकसान कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी लिमिट में था, अगर अनलिमिट होता मैं या नींद आ रही होती तो आप देख सकते हो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता और हर किसी को चोट भी लग सकती थी। इसमें पैसेंजर 45 थे, पूरे सिटिंग थी। बहुत शुक्र है कि मैं लिमिट में था, मेरी स्पीड भी नॉर्मल ही थी। बस गाड़ी ये दिल्ली पीतमपुरा से आ रही है, जिम कॉर्पोरेट जा रही थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।